पौड़ी जिले के सतपुली कासखेत मोटर मार्ग पर 1979 में बने दो विकास खंडों को जोड़ने वाला बांधघाट पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। क्षतिग्रस्त पुल पर खनन के डंपरों की आवाजाही जारी है, जिससे पुल के धराशायी होने का खतरा बना हुआ है। अगर पुल धराशायी होता है तो दोनों विकास खंडों का संपर्क टूट जाएगा, जिसके लिए बांधघाट से सतपुली पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर नहीं बल्कि 90 किलोमीटर का सफर तय करके आना होगा। वहीं स्थानीय निवासी कुलदीप गुसाई का कहना है कि बांधघाट पुल निरंतर ओवरलोड खनन के डंपरों की आवाजाही के चलते धराशायी होने की कगार पर है, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बारे में हमारे द्वारा खबर के माध्यम से बहुत बार शासन प्रशासन को सूचित किया गया है। अभी 14 मार्च 2022 को भी हमने एक वीडियो बना के खबर बनाई थी कि इस पुल में गड्ढे हो गए हैं, कभी भी ये पुल गिर सकता है। तो नतीजन सरकार प्रशासन तब भी सोई रही, उन्होंने कोई इसमें एक्शन नहीं लिया। बागड़ पुल है, हमारा SS-32 में है, जो मरचुला से पौड़ी रोड पे है हमारा। ये पुल एक्चुअली बी क्लास लोडिंग है, 1980 के आसपास बने हुए है। बी क्लास लोडिंग, तो ए क्लास में परिवर्तन का भी हमारे कार्रवाई चल रहा है, रिपोर्ट भी भेज दी गई इसकी। वर्तमान में से हैवी व्हीकल के लिए बंद कर दिया है। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरी संज्ञानने की बात लाई है, और आपके माध्यम से ये बात मेरे सम्मुख जब आई है तो निश्चित रूप से मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अधिकारी से बात करूंगा और तुरंत इस पर कार्रवाई करने के लिए उन्हें आदेश भी करूँगा।